नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से, जहां पाकिस्तान में हिंदू मंदिर को तोड़े जाने के बाद यहां शिवसेना की जिला इकाई ने काफी हंगामा किया है। शिवसैनिकों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और इस पूरी कार्यवाही पर केंद्र सरकार से मांग की है कि पाकिस्तान के विरुद्ध ठोस कदम उठाए जाए। आपको बता दें कि पिछले दिनों पाकिस्तान में एक हिंदू धार्मिक स्थल को तोड़े जाने का मामला सामने आया था। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के लोहार और यार हमारे हिंदुओं के प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी के मंदिर तोड़े गए हैं। उसी कड़ी में हमारे शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन जी गुप्ता के आदेशानुसार पूरे भारत में पाकिस्तान के पुतले जलाने का कार्यक्रम जारी है। उसी कड़ी में आज शिवसेना हिंदुस्तान मध्य प्रदेश द्वारा पाकिस्तान का पुतला जलाया गया और भारत सरकार से मांग की गई कि वह पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे हिंदू परिवार रह रहे हैं, अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे हैं, उनके साथ अनैतियाँ हो रही है, हिंदू बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, हमारे धार्मिक स्थल वहाँ पाकिस्तान में जो है उन्हें तोड़ा जा रहा है और ऐसी पुनरावृत्ति ना हो पाकिस्तान में हमारे जो धार्मिक स्थलों के साथ में। इस तरह की भारत सरकार से मांग की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर इस कदम को रोका जाए। ये हमारी शिवसेना हिंदुस्तान की भारत सरकार से मांग है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अब तक आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो अभी कर लीजिए। Facebook पर इस खबर को देख रहे थे तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।